जी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के इंस्ट्रक्शन पर काम कर रहे हैं। वो लोग हमारी पार्टी को पूरी तरीके से स्थानांतरित करना चाहते हैं। हमारे लीडर्स को, टॉप लीडर्स को जेल में ऑलरेडी डाल चुके हैं। हमारे पास राइट है कि हम बेल के लिए मूव कर सकते हैं, लेकिन जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है 14 दिन के लिए। नेक्स्ट हेयरिंग जो है केजरीवाल जी की वो 15 अप्रैल रहेगी। तो अब जुडिशियल कस्टडी में जाने का मतलब ये है कि अब हमारे पास राइट है कि हम बेल के लिए मूव कर सकते हैं, क्योंकि जब तक पुलिस कस्टडी रहती है तब तक बेल में मूव नहीं कर सकते। तो अब हमारे लीगल टीम डिस्कस करते हैं कि अकॉर्डिंगली आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, वो तय करेंगे। बाकी ईडी की तरफ से अब कस्टडी खत्म और अब जुडिशियल कस्टडी स्टार्ट। सर, ईडी ने कोर्ट में ये भी कहा, पहली बार जो है आतिशी का नाम लिया और ये कहा कि विजय नायर जो है वो केजरीवाल का करीबी था और वो केजरीवाल को नहीं आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। देखिए, ईडी अपनी एक नई स्टोरी लेके आ जाती है, जबकि आज जुडिशियल कस्टडी की एप्लीकेशन थी, उस एप्लीकेशन में उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारे को 14 दिन की 15 दिन की मैक्सिमम कस्टडी मिल सकती है, हम लोग अभी नहीं ले रहे, बाद में हमारा राइट है। तो जबकि कानून बिल्कुल क्लियर है कि 15 दिन तक कस्टडी ले सकते हैं, जो कस्टडी उनकी होगी। तो अब जुडिशियल कस्टडी होने के बाद अब रेल टू रेस्ट केस में दोबारा वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर ऐसा कभी होगा तो देन फर्दर डिसाइड करेगी कोर्ट। सर, अगर राजनीतिक पॉलिटिकल फ्रंट पे देखें तो अब जैसे कि सीएम साहब जेसी में चले गए हैं, तो क्या जेल से जो उनकी सरकार की कार्रवाई है, जो एक्शंस हैं या जो फंक्शंस हैं, वो करना उनके लिए पॉसिबल होगा? देखिए, कानून के अंदर जो प्रावधान है जी, उसके अकॉर्डिंगली सरकार चलेगी और उसमें जो भी जेल मैनुअल्स और जो, क्योंकि ऐसा हिंदुस्तान के अंदर पहली बार हो रहा है कि एक सर्विंग मुख्यमंत्री जो है वो जुडिशियल कस्टडी में। सर, क्या जेल मैनुअल ऐसी अनुमति देता है कि कोई जो आरोपी मुख्यमंत्री है कस्टडी में है, कहीं किसी चीज में साइलेंट होगा तो उसके लिए कोर्ट ऑफ लॉ है, तो कोर्ट से वो परमिशन लेके उसके अकॉर्डिंगली काम करें। क्या सर उनकी जगह कोई, जो उनके अनुपस्थिति में कोई जैसे सिग्नेटरी किसी को बनाया जाए, क्या कोई अभी तक ऐसा निर्णय लिया गया है कि उनके एब्सेंस में कोई? माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार दिल्ली की जनता ने, आपको देखा कल बहुत बड़ी रैली के अंदर ये सवाल पूछा गया कि भी आप क्या चाहते हैं। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री देखना चाहती है, वो देश के बहुत पॉपुलर नेता है, किसी भी हाल में अरविंद केजरीवाल जी कंटिन्यू करेंगे। क्यों? कुछ वो आरोपी नहीं है, उनके खिलाफ जो भी एलिगेशन लगाए गए वो अभी किसी को नहीं। सर, एक और आखिरी सवाल, कल गहलोत जी को जैसे ईडी ने समन दिया था और आज दो आम आदमी पार्टी के नए नेताओं का नाम जो है कोर्ट में ले लिया, और कुछ ईडी की तरफ से ये भी कहा गया कि हम आगे भी कस्टडी ले सकते हैं क्योंकि उनके पास अभी समय बचा हुआ है, ऐसे आप इस पूरे जो घटनाक्रम है उसको राजनीतिक दृष्टि से कैसे देखते हैं? देखिए, ईडी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं। वो लोग हमारी पार्टी को पूरी तरीके से स्थानांतरित करना चाहते हैं। हमारे लीडर्स को, टॉप लीडर्स को जेल में ऑलरेडी डाल चुके हैं, लेकिन वो इस बात को भूल रहे हैं कि आज घर घर में केजरीवाल जी पैदा हो चुके हैं। केजरीवाल जी एक सोच है, एक विचार है, उन्होंने जिस तरीके से वेलफेयर स्कीम्स चला के और प्रॉफिट का बजट दिया है, ऐसे नेता को, पढ़े लिखे नेता को, ऐसी पार्टी को, एक एक कार्यकर्ता हमारा पूरी तरीके से, मैं भी केजरीवाल, ये मुहिम आपने देखा और पूरे देश में ये मुहिम चलेगी और भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई रोक पाएगा, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि नरेंद्र मोदी जी का काल अगर कोई है तो उनका नाम है अरविंद केजरीवाल।